चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एच टू प्लस ब्यूटाइन सी फोर एच एट का मिक्सचर है। मेरे पास ब्यूटाइन और सी फोर एच एट का मिक्सचर है, ठीक है। इसके साथ मैंने 80 ml O2 जो है वो मैंने डाल दिया, 80 ml O2 जो मैंने वो है वो डाल दिया। इसको मैंने स्पार्क करवाया, इस मिक्सचर को मैंने स्पार्क करवा दिया, ठीक है। और स्पार्क करवाने के बाद मैंने इसको वापस KOH के थ्रू पास करवाया, और KOH के थ्रू पास करवाने के बाद जो हमारा वॉल्यूम आया है वो हमारा आया है 16 ml, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने मिस कर दिया, सॉरी। स्पार्क करवाने पर जो वॉल्यूम था वो था हमारा 48 ml, ठीक है। यहां पर मैंने स्पार्क KOH के थ्रू पास करवाने के बाद जो वॉल्यूम आ गया है वो आया है हमारा 16 ml। इस पर अगर पाइरोगैलोल मैंने सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाया तो वॉल्यूम जो है वो हमारा हो जाता है 0 ml। यानी ऑब्वियसली बात है फाइनली जो वो 16 ml बचा था वो हमारा केवल और केवल शुद्ध ऑक्सीजन था, उसके अलावा हमारा और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ इनिशियल मिक्सचर, इनिशियल मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम फाइंड करो, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ इट, ठीक है, इसका जो भी कॉम्पोजिशन था वो हमारा कितना था, राइट। चलो तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर सबसे पहले लोगों के मन पे दिमाग पे ये चलता है जो क्या ब्यूटाइन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेगा या नहीं। मैं बोलता हूं हो सकता है करे, फाड़ में जाए। क्यों? क्योंकि देखो अल्टीमेटली कार्बन और हाइड्रोजन जो भी है वो दोनों कंबाइन ऑक्सीजन के साथ ही होने वाला है। तो चाहे मैं ब्यूटाइन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करूं या ब्यूटाइन को पहले ब्यूटीन या ब्यूटेन में कन्वर्ट करके फिर मैं उसको ऑक्सीजन से कंबाइन करूं, अल्टीमेटली टोटल जितना हाइड्रोजन और टोटल जितना कार्बन के मोल्स है वो तो चाहे रिएक्ट करे ना करे वो तो हमारा सेम ही रहेगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा CO2 और वाटर के मोल्स बनेंगे वो हर केस में सेम होगा, यानी बिना हम रिएक्ट करवा के आगे बढ़ जाए, या फिर हम क्या करें पहले रिएक्ट कराए और फिर उसको ऑक्सीजन के साथ बाद में रिएक्ट कराए, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे क्वेश्चनों में ये सब दिमाग तो लगाना ही नहीं है जो ब्यूटाइन और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इट सिंपली डजेंट मैटर, दोनों को अलग अलग ले लो। सिंपली एक काम करो, इनिशियली मान लो XML H2 है और साथ में है YML C4H8, ठीक है, एंड इसके साथ मैंने O2 के साथ कंबाइन कर रहा हूं। सो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस हमें दे रहा है H2O लिक्विड। ये एक रिएक्शन है,
और C4H8 गैस प्लस O2 गैस 4CO2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड। नाउ बैलेंसिंग द ऑक्सीजन, तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं यहां पर 2O2 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 4। बैलेंसिंग यहां पर हमारा 6O2 गैस होने वाला है, ठीक है। अच्छा O2 जो बचा हुआ था वो था हमारा 16 ml, तो O2 जो हमारा कंज्यूम हुआ है, O2 जो हमारा कंज्यूम हुआ है, अगर हम ध्यान दें कंज्यूम्ड O2 इज सिंपली इक्वल्स टू 80 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 64 ml। सो अच्छा इसका 1 ml के साथ हाफ ml रिएक्ट करता है तो x ml के साथ रिएक्ट करेगा x by 2 ml। प्लस अगर हम ध्यान दें यहां पर अगर हम ध्यान दें इसका x ml के साथ 6 ml रिएक्ट करता है तो y ml के साथ रिएक्ट करेगा 6y एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 64। x by 2 plus 6y that must be equals to 64, that's my first equation, ठीक है। And now दूसरा अगर हम KOH के बारे में देखें, यहां से यहां आने के दौरान 32 ml का contraction हुआ है और ये contraction तो शुद्ध CO2 के कारण ही हुआ है। अब यहां पर तो कोई CO2 नहीं है तो 1 ml से 4 ml CO2 बनता है तो y ml से बनेगा 4y ml CO2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 32। ये हमारे पास आ जाएगा तो यहां से मेरे पास आ जा रहा है y इक्वल्स टू 8 और यहां पर अगर हम ध्यान दें y अगर हम 8 पुट करते तो ये 16 हो जाएगा तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 32। y 8 आ गया x हमारा 32 आ गया तो इस समय क्या बोल सकता हूं टोटल वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू 40 ml जिसके अंदर H2 जो है 32 ml H2 है और हमारा 8 ml ब्यूटाइन है। That is the initial composition or initial total volume of the mixture. ये वाला question मैंने इसलिए mainly उठाया जो ऐसा cases में आपस का reaction के बारे में सोचना ही मत, the reason being जो ultimately carbon और hydrogen के साथ combine होने वाला है वो oxygen ही होने वाला है, carbon hydrogen का आपस का कोई combination नहीं होगा, right? हाइड्रोजन भी जाता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन भी जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो आपस के रिएक्शन के बारे में सोचना ही क्यों है। ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। चलो हमारे पास एक गैशियस मिक्सचर है, उस मिक्सचर में है C2H4 CH4 CO प्लस N2। हमारे पास ये एक गैसियस मिक्सचर है, इन चारों गैसेस का मिक्सचर है और इसका जो है टोटल प्रेशर जो है दैट वाज 1 atm एट 400 केल्विन, ठीक है। Now, इस पर मैंने क्या किया, इस पर मैंने एक्सेस O2 डाला और फिर मैंने स्पार्क करवा दिया, एक्सेस O2 डाला और फिर मैंने स्पार्क करवा दिया। वॉल्यूम जो है V हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर थोड़ा प्रेशर को लेकर बातचीत चल रही है, ये थोड़ा सा अनोखा है,
वी हमारा कांस्टेंट है, तो एक्सिस O2 के साथ मैंने जब स्पार्क करवाया, ध्यान देना टेम्परेचर 400 केल्विन है, वाटर इस पे डेफिनेटली वेपर के फॉर्म में रहेगा, वो हमारा गैस के फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है, वेपर लिक्विड के फॉर्म में नहीं होने वाला है। तो ये वाला होने के बाद जो हमारा वाटर का पार्शियल प्रेशर आया है, टेम्परेचर 400 केल्विन पे फिक्स है, तो वाटर का जो हमारा पार्शियल प्रेशर आया है वो आया है 0.9 atm, और जो हमारा CO2 का पार्शियल प्रेशर आया है वो आया है 0.8 atm, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वाटर का है 0.8 atm, CO2 का जो है वो है 0.9 atm, ठीक है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो ये है, मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ C2H4, मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ C2H4। तो कंप्यूट इनिशियल पार्शियल प्रेशर, कंप्यूट इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हर एक गैस का इनिशियल पार्शियल प्रेशर जो है वो हमारा कितना होने वाला है वो हमें पूछा गया है, राइट। अच्छा, CH4 और C2H4 दोनों का अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम था और कंटेनर का वॉल्यूम को हमने फिक्स रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का जो इनिशियल पार्शियल प्रेशर होगा वो भी हमारा सेम ही होने वाला है। सो मैं यहां पर पहले कुछ कुछ चीजें एज्यूम करूंगा, इनिशियल पार्शियल प्रेशर, अच्छा N2 कहीं पर रिएक्ट नहीं करेगा, ध्यान देना N2 काफी ज्यादा यूजलेस सा चीज है, ठीक है। सो C2H4 का और CH4 का दोनों का मैं ले लूंगा P1 atm, और CO का जो है वो हमारा P2 atm होने वाला है, बाकी जो बचा हुआ है वो N2 का है, वो एक्चुअल में किसी काम का नहीं है, द रीजन बीइंग N2 तो कहीं पर रिएक्ट नहीं करेगा। तो 1 atm का जो इंफॉर्मेशन था, ध्यान देना दैट इज अ प्रेटी यूजलेस इंफॉर्मेशन, हां लास्ट में N2 का निकालने में इस्तेमाल होगा, बाकी पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान टोटल प्रेशर 1 atm था उसका कोई भी फायदा हम उठा ही नहीं सकते हैं। लेट्स सी अब क्या होने वाला है, रिएक्शंस क्या क्या हो रहा है, C2H4 गैस प्लस O2 गैस हमें दे रहा है 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, सो यहां पर कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 3O2 होगा, हाँ लिक्विड लिख दिया सॉरी आदत पड़ गई है, बट हां ये गैस है, राइट समझ में आया। उसके बाद अगर हम ध्यान दें CH4 गैस प्लस O2 गैस हमें देता है CO2 गैस प्लस 2H2O गैस, और यहां पर अगर मैं O2 को बैलेंस करूं तो ये 2 है। नाउ उसके बाद CO गैस प्लस हाफ O2 गैस ये हमें देगा CO2 गैस, सो दीज आर दी ऑल पॉसिबल रिएक्शंस, ओके। नाउ देखो कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो अगर C2H4 का पार्शियल प्रेशर है
वो CO2 जो पैदा करेगा उसका पार्शियल प्रेशर डेफिनेटली उसका 2 times होगा, क्योंकि C2H4 का मोल्स का डबल मोल्स का CO2 हमारे पास पैदा हो रहा है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, C2H4 के चलते जो CO2 पैदा हो रहा है उसका पार्शियल प्रेशर होगा 2P1। CH4 के चलते एक से एक पैदा हो रहा है तो यहां पर हमारा होगा P1, और CO का एक से एक पैदा हो रहा है तो यहां पर होगा P2, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू CO2 का टोटल पार्शियल प्रेशर, दैट इज 0.9 atm। सो मेरे पास जो पहला इक्वेशन आया है वो आया है 3P1 प्लस P2, दैट इज 0.9। ओके, एंड उसके बाद अगर हम ध्यान दें इस पे है, क्या नाम है, CO वाले हाइड्रो वाटर वाले पे अगर देखूं, यहां पर एक से पैदा होता है 2, यहां पर भी एक से पैदा होता है 2, यहां से तो कोई वाटर का नामो निशान नहीं है, ये हो जाएगा 0.8 atm। तो मेरे पास ये आ जाएगा 4P1 इक्वल्स टू 0.8, तो P1 का वैल्यू डायरेक्टली आ गया 0.2 atm। और ये P1 को इस्तेमाल करते हुए मैं डायरेक्टली एक चीज लिख सकता हूं, P2 जो आएगा That will be 0.3 atm। So, initially अगर हम ध्यान दें, initially partial pressures क्या क्या होगा, CH4 which is equals to C2H4, ठीक है, and that will be equals to 0.2 atm। उसके बाद हमारा CO 0.3 atm, और यहां पर टोटल प्रेशर जो हो गया है वो हमारे पास हो गया है 0.7, तो बाकी बचा हुआ जो है वो हमारा N2 है, तो N2 जो है दैट इज 0.3 atm। तो यहां पर हम लोग मेन जो बात सीखे हैं, जो अगर हमारा वॉल्यूम के बदले प्रेशर के टर्म्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेट एनालिसिस मेथड तो हमारा सेम ही रहने वाला है। ओके ओके दोस्तों, तो अगली क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या बोला हुआ है। हमारे पास मिक्सचर है 10 ml C5H8 प्लस H2 का, हमारे पास C5H8 का और H2 का एक मिक्सचर है, ठीक है। अब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, इनिशियल वॉल्यूम तो मैं लिख दिया हूं 10 ml। अब मैंने क्या किया, मैंने स्पार्किंग करवाया, और स्पार्किंग करवाने पर क्या हुआ है, मेरा एक रिएक्शन होना चालू हो गया है C5H8 प्लस 2 times H2। ये दोनों बाय द वे गैस है, ठीक है ना, C5H8 भी गैस है, H2 भी गैस है, C5H8 गैस प्लस 2H2 गैस, दैट गिव्स C5H12 गैस, ठीक है। और ये वाले प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है बाय एन अमाउंट ऑफ 6 ml।
वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है वो हमारा 6 ml का हुआ है, राइट। अब मैंने क्या किया, अब इस पर एक्सेस O2 को ऐड किया, राइट, अगेन स्पार्क्ड, और ये करने पर जो हमारा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, ए करने पर जो हमारा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू बाय एन अमाउंट ऑफ 15 ml, ठीक है। सो फाइंड इनिशियल कॉम्पोजिशन, जो हमारा मिक्सचर था उसका इनिशियल कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है वो हमें निकालना है, राइट। सो कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, क्या विचार है? अच्छा, फर्स्ट वाले रिएक्शन पे ध्यान देना, फर्स्ट वाले रिएक्शन पे ध्यान देना, जो हमारा रिएक्शन हुआ है उस पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो H2 लिमिटिंग हो या तो हमारा C5H8 जो है वो हमारा लिमिटिंग हो। यहां पर डेफिनेटली दोनों पॉसिबिलिटीज है और उन दोनों पॉसिबिलिटीज के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, राइट राइट। सो कैसे करेंगे, तो पहला केस तो हम डिस्कस करेंगे C5H8 is limiting, it's a possibility. अच्छा, C5H8 अगर limiting है तो हाइड्रोजन हमारा पहले पूरी तरीके से रिएक्ट कर चुका है। ध्यान देना, इसका 1 ml और इसका 2 ml से यहां पर 1 ml पैदा होता है, तो पर ml ऑफ दिस हमें 2 ml का कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, बट टोटल कॉन्ट्रैक्शन मिला है 6 ml का। तो टोटल कॉन्ट्रैक्शन अगर 6 ml का मिला है तो डेफिनेटली वो 6 ml का 6 ml हमारे पास हाइड्रोजन के चलते ही कॉन्ट्रैक्शन आया है, क्योंकि C5H8 और C5H12 तो आपस में कैंसिल आउट किया है। कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है वो डेफिनेटली हमारा हाइड्रोजन के कारण ही हुआ है, राइट, समझ में आया? तो अब अगर C5H8 हमारा लिमिटिंग है, यानी वो हमारा पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया है, मैं ये चीज अगर एज्यूम करूं, ध्यान देना, जो भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो 6 ml का हुआ है, तो सिंपल सी बात है, मैं अगर H2 गैस देखूं, ये हमारा 6 ml होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन तो हाइड्रोजन के कारण ही हुआ है, हाइड्रोजन चला गया है, तो H2 गैस हमारा डेफिनेटली 6 ml था, तो C5H8 जो था वो हमारा 4 ml था, ये हमारा 4 ml था, बट इसका 1 ml 2 ml H2 कंज्यूम करता है, ठीक है, इसका 1 ml 2 ml हाइड्रोजन कंज्यूम करता है, तो इसका 4 ml 8 ml हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगा, बट 6 ml हाइड्रोजन तो हमारे पास है। हम बोल रहे हैं C5H8 लिमिटिंग है, मतलब C5H8 जो है वो पहले खत्म हो चुका है, यानी उसके बाद और हाइड्रोजन बचना चाहिए, वो तो छोड़ो, ये अजम्पशन पे जो दोनों का वॉल्यूम निकल रहा है वही चीज तो संभव नहीं है, उतना हाइड्रोजन हमारे पास है ही नहीं, तो दिस कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी, जो हमारा C5H8 जो है वो यहां पर लिमिटिंग हो। सो डेफिनेटली H2 इज अ लिमिटिंग,
हाइड्रोजन जो है वो हमारा लिमिटिंग है, एंड हाइड्रोजन जो है वो अगर हमारे पास लिमिटिंग है सो डेफिनेटली C5H8 हमारा पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका है, राइट? ध्यान देना अब मैं जो बोल रहा हूं। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, हमारा H2 अगर लिमिटिंग है, सो H2 अगर लिमिटिंग है, बाय द वे कॉन्ट्रैक्शन जो भी होता है वो केवल हाइड्रोजन के कारण ही होता है, तो यहां पर भी फाइनल तो वही आएगा, जो H2 जो है वो हमारा 6 ml था और C5H8 जो है वो हमारा 4 ml था। ठीक है, समझ में आया? नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं तो इसका 6 ml डेफिनेटली 3 ml के साथ इसका रिएक्शन करवा सकता है। सो C5H8 फॉर्म्ड, C5H12 फॉर्म्ड जो है वो हो जाएगा मेरे पास 3 ml। ठीक है, C5H12 गैस जो बनेगा वो 3 ml है, क्योंकि 6 ml हाइड्रोजन जो है वो हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, 3 ml C5H8 के साथ उतना रिएक्ट हो जाएगा, तो C5H12 एग्जैक्टली उतना पैदा होगा और C5H8 गैस जो बचा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 1 ml। ये हमारा मिक्सचर जो है वो हमारा बनने वाला है। अब देखते हैं जो बाकी जो चीजें हैं वो सेट होती है या नहीं होती है इस चीज के साथ, लेट्स सी। अच्छा, C5H12 गैस प्लस O2 गैस हमें देता है 5CO2 प्लस गैस प्लस 6H2O लिक्विड। तो यहां पर 3, यहां पर 5, तो कितना हो जाएगा 8O2। ठीक है, तो यहां पर 9 ml से 5 ml बन रहा है इसका पर ml। इसके बारे में अगर मैं देखूं तो पर ml कॉन्ट्रैक्शन जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 4 ml। बट ये है कितना हमारे पास 3 ml, तो देयरफॉर इसके चलते जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वॉल्यूम में दैट कॉन्ट्रैक्शन विल बी सिंपली इक्वल्स टू 4 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 12 ml। एंड दूसरी और अगर हम सोचते हैं वो क्या है, जो हमारे पास दूसरा वाला है C5H8 गैस, C5H8 गैस ये हमारा O2 के साथ रिएक्ट करेगा, देगा 5CO2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड, यहां पे 2। नाउ 8 से यहां पर 5 बनता है, तो इसका जो पर ml कॉन्ट्रैक्शन है इसका पर ml कॉन्ट्रैक्शन 3 ml है, बट ये खुद है ही तो 1 ml, तो यहां पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू 3 ml। सो यहां पर हमारा 12 ml का कॉन्ट्रैक्शन है, यहां पर हमारा 3 ml का कॉन्ट्रैक्शन है, तो दोस्तों टोटल कॉन्ट्रैक्शन जो दिया हुआ था वही हमारे पास आ रहा है, टोटल कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू 12 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 15 ml। आई होप दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ठीक है, यहां पर जो हम लोगों ने समझे हैं ठीक है वो चीज हम पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ओके ओके दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, सॉरी, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXH2YOY, ये आगे जाके सीखेंगे, इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। नाउ दिस इज बर्नड विथ ट्वाइस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2, जितना O2 हमें चाहिए उसके डबल वॉल्यूम का O2 हम यूज किए हैं, ठीक है। जितना O2 गैस हमें चाहिए उसके डबल वॉल्यूम को हमने इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, जो H2O लिक्विड फॉर्म्ड है दैट इज इक्वल्स टू 0.9 ग्राम, ठीक है। द रेस्ट गैसेस हैड अ वॉल्यूम इक्वल्स टू 2.24 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके, चलो दोस्तों चालू करते हैं एक एक करके बात। क्या है देखो, तो इनिशियली कितना मोल्स वगैरह लिया है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है। यहां पे मेरे ख्याल से मोल्स के टर्म्स में करना बहुत अच्छा रहेगा, द रीजन बीइंग वाटर का मास दिया हुआ है, बाकी वॉल्यूम्स वगैरह को लेकर तो एज सच बातचीत किया ही नहीं है। हाँ, यहां पर जो वॉल्यूम है वो तो एसटीपी वाला वॉल्यूम है, उसके साथ इस रिएक्शन का जो हमारा कंडीशन है उसका कोई संबंध नहीं है। तो एक काम करते हैं, लेट अस टेक ए मोल्स ऑफ CXH2YOY। ऑब्वियसली इतना हाई मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज गोइंग टू बी अ सॉलिड, ठीक है। उसे दिमाग में ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सॉलिड ही होगा, लिखने के पर्पस में बोल रहा हूं। CXH2YOY सॉलिड प्लस O2 गैस क्या आएगा, ये आएगा XCO2 गैस प्लस वाई टाइम्स H2O लिक्विड, ठीक है। एंड नाउ यहां पर अगर हम देखें, यहां पर भी तो YH2O है, वो तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी सिंपली XO2, ठीक है। तो इसका पर मोल Y मोल वाटर पैदा होता है, सो H2O प्रोड्यूस्ड जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू AY एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 0.9/18। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.05, ठीक है। ये कितना आएगा, 0.05। तो A इंटू वाई का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 0.05। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, ध्यान देना। यहां पर अगर एक मोल है तो हमें एक मोल O2 चाहिए, बट हमने तो उसका डबल लिए थे, सो O2 टेकन
टू ए एक्स मोल्स, ठीक है। अच्छा गैस में बचा हुआ क्या है, जो O2 बच जाएगा वो, और जो CO2 पैदा होगा वो। तो हमारे पास जो फाइनल गैस मिक्सचर है उसके बारे में अगर हम बात करें, इसके एक मोल से एक एक्स मोल CO2 पैदा होता है, तो ए मोल से ए एक्स मोल CO2 पैदा होगा। और साथ में ए एक्स मोल्स O2 पैदा होगा, राइट। तो टोटल मोल्स वो है हमारा 2OX, एंड 2AX इज नथिंग बट, अगर STP में 2.24 लीटर वॉल्यूम है तो सिंपल सी बात है, 2AX जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्या, 0.1। सो जो हमारा AX का वैल्यू आएगा दैट इज 0.05। तो AY आ गया है 0.05 यहां से, और AX जो है वो भी है हमारा 0.05। तो अब अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखूं तो AX equals to AY, यानी X equals to Y। तो जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या है, CH2OX। X और Y तो इक्वल है। नाउ C कितना है, 12, O कितना है, 16, कितना हो गया 28, 2H मतलब 30। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमारे पास आ रहा है 30X, दैट इज इक्वल्स टू 150। तो हमारे पास X जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5। तो सिंपल सी बात है, the compound is C5H10O5, okay? Okay दोस्तों, अब हम लोग यहां पे दो more than one correct question देखते हैं, ठीक है। पहला question क्या है देखो, हमारे पास है 100 ml मिक्सचर ऑफ CO प्लस CO2 प्लस O2। मैंने इसको पहले स्पार्क किया और इसको मैंने QOH के थ्रू पास किया, तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आया है वो आया है 20 ml, ठीक है। तो सवाल यह है, कॉम्पोजिशन ऑफ इनिशियल, कॉम्पोजिशन ऑफ द इनिशियल मिक्सचर मे बी, कॉम्पोजिशन ऑफ द इनिशियल मिक्सचर मे बी, नंबर वन सेम ऑर्डर पे लिखना है, ठीक है ना, CO फिर CO2 फिर O2, 30 ml, ऑप्शन वन जो दिया हुआ है वो है 30 ml, 60 ml, 10 ml, पहला ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा बोला हुआ है वो क्या है, हमारा 30 ml, 50 ml एंड 20 ml, 30 ml, 50 ml एंड 20 ml, ऑप्शन थ्री 50 ml,
30 ml, 20 ml, and option 4, 30 ml, 40 ml, 30 ml. ये हमारा चार ऑप्शन जो है वो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ओके, पहले एक बात सबले समझो, ऑब्वियसली बात है अगर 100 से 200 आ रहा है तो यहां पर एक बात तो निश्चित है, CO2 गैस हमारा डेफिनेटली 80 ml जो है वो हमारा फाइनल में होना चाहिए। CO2 गैस जो हमारा 80 ml है वो हमारा डेफिनेटली फाइनल पे होना चाहिए। अब ये जो 80 ml है उसपे दो पॉसिबिलिटीज है, ध्यान दो, जो मेरा इनिशियल स्पार्किंग है उस पर CO2 का तो कोई लेन देन ही नहीं है, रिएक्शन तो एक ही हो रहा है वो ये है, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस हमें दे रहा है CO2 गैस, ठीक है। नाउ ये वाले पोजीशन में तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, एक पॉसिबिलिटी जो है वो लिमिटिंग पॉसिबिलिटी है, वो दोनों में इंक्लूड हो जाएगा एक्चुअली, या तो O2 हमारा लिमिटिंग हो, O2 जो है वो हमारा लिमिटिंग हो, ये हमारा है केस वन। ओके, अच्छा O2 अगर हमारा लिमिटिंग है तो ध्यान देना यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है बीच में स्पार्क करने पर, बट टोटल जो है हमारा 100 ml का मिक्सचर में CO2 हमारा कितना बन जाना चाहिए, हमारा फाइनली CO2 80 ml बन जाना चाहिए। सो लेट्स सी क्या है, हमारे पास CO जो है वो 1 ml था, O2 जो है वो हमारा YML है, और CO2 जो है वो हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां पर सबसे आसान तरीका बाय द वे ऑप्शन वेरिफिकेशन है, ठीक है, ऑप्शन वेरिफिकेशन सबसे आसान है, मैं एक बात दिखाना चाहता हूं जो जनरल कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं ऑप्शन वेरिफिकेशन वाला मेथड सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर अगर हमारा CO जो O2 जो है वो लिमिटिंग है, देखो आधा O2 रिएक्ट करता है एक CO के साथ, तो हमारा CO लेफ्ट जो होगा वो होगा X-2Y, और CO2 प्रोड्यूस्ड जो होगा कितना होगा 100 - x + y, क्योंकि इसके y से तो 2y CO2 और पैदा हो जाएगा, तो हमारे पास जो CO2 बनेगा, ठीक है, जो हमारा CO2 फाइनली बनेगा 100 - x + y, दैट मस्ट बी 80, तो हमारे पास जो एक रिलेशन आ जाएगा X-Y that is 20. अच्छा ध्यान देना इस पे और कोई कुछ नहीं कह सकता हूं, इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट रिलेशन ये मेंटेन होना चाहिए X-Y जो है वो हमारा 20 होना चाहिए। तो पहली बात CO O2 लिमिटिंग कहां कहां पे होगा, देखो O2 लिमिटिंग का दो केस है, एक 1 है और एक 3 है, यानी इसके डबल से ज्यादा होना चाहिए CO, 10 का डबल है 20, CO उससे ज्यादा है, और 20 से डबल है 450, वहां से हमारा ये ज्यादा है, तो O2 वहां पर लिमिटिंग है, वहां पर X-Y जो है वो हमारा 20 होना चाहिए। नाउ यहां पर अगर हम X-Y करें तो ऑब्वियसली वो 30 आ रहा है, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यहां पर X-Y 20 आ रहा है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। जस्ट क्विकली वेरीफाई,
यहां पर 10 ml O2 से 20 ml CO2 पैदा होगा एंड 60 ml पहले से है, 20 प्लस 60 इक्वल्स टू 80, जो हमारा इस डेटा के साथ वेरीफाई हो रहा है। हाँ, 10 ml CO जो है वो हमारा बच जाएगा, इट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। और दूसरा केस ये है, CO इज लिमिटिंग, ठीक है। अच्छा, CO अगर लिमिटिंग है मेरे पास, तो यहां पर जो CO है वो तो हमारा XML का पूरा रिएक्ट कर जाएगा और XML का CO जो है वो हमारा क्या करेगा, XML का CO, XML का CO2 पैदा करेगा। तो CO2 जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 20, सो दैट इज इक्वल्स टू 80 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस वाई, और ये हमारा 80 होना चाहिए, ये हमारा 80 जो है वो होना चाहिए, राइट right? तो यहां से मेरे पास सिंपल रिलेशन आ गया है, y इज इक्वल्स टू 20 ml। CO लिमिटिंग रखते हुए, यानी CO का जो अमाउंट होगा, x जो होगा दैट मस्ट बी लेस देन 40, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि CO हमारा लिमिटिंग है, CO हमारा पहले खत्म हो जा रहा है। और उसके बाद अगर मैं 20 ml O2 रखता हूं तो गारंटेड है जो वहां पर 80 ml हमारा पैदा होगा ही होगा। लेट्स सी इनमें कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, यहां पर तो हमारा O2 जो है वो हमारा 30 ml है। नाउ 30 ml में ऑब्वियसली सा पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे भी ध्यान दे रहा क्या है इस पे? इसका जो 30 ml है, ठीक है, वो तो काम का ही नहीं है, हमारे पास केवल 15 ml जो है उसके जितने का ही रिएक्शन होगा, 30 ml CO पूरा खत्म हो जाएगा और 30 प्लस 40 70 ml, तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन गलत है। और यहां पर ऑक्सीजन जो है उसको 20 ml लिया गया है, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा सही है। यहां पर देख लो हमारा मैच कर रहा है या नहीं, मेरे ख्याल से वो मैच कर जाएगा, कर भी रहा है। 30 ml CO से 30 ml CO2, 30 प्लस 50 मेक्स इट 80। बस ऑक्सीजन अगर मैं 20 ml ले लूं, और यहां पर तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, इट डजंट मैटर। अगर हमारा देखो, अगर हमारा ऑक्सीजन एक्सेस में है तो चाहे CO हो चाहे CO2 हो, वो कुल मिला के तो CO2 पे ही जाएगा। बस उन दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम को मैं 80 ml रखूंगा, और उन दोनों का कंबाइंड ml वॉल्यूम को 80 ml रखते हुए मैं कोई भी कॉम्पोजिशन ले लूं, यहां पर 20 रखते हुए मेरा वो हर पॉसिबिलिटी एक करेक्ट ऑप्शन देने वाला है। तो यहां पर दो ऑप्शन करेक्ट है, वन और टू, डिपेंडिंग अपॉन द टू केसेस। या तो हमारा O2 लिमिटिंग है तो वहां पर एक गिवन कंडीशन है, या तो हमारा CO लिमिटिंग है उस केस में एक गिवन कंडीशन है। ओके, नाउ चलो अगला केस देखते हैं, ये भी मोर देन वन करेक्ट है। क्या है मेरे पास, मेरे पास एक मिक्सचर है 100 ml का, ठीक है, और उस पर है C3H8 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। इसको मैंने स्पार्क किया तो मुझे जो कॉन्ट्रैक्शन मिला 45 ml, ठीक है। तो फाइंड इनिशियल, फाइंड द इनिशियल कॉम्पोजिशन, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है देख लेते हैं। फर्स्ट, 15 ml C3H8
प्लस 85 MlO2। पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा 25 ml C3H8 प्लस 75 ml O2। तीसरा 45 ml C3H8 प्लस 55 ml O2। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 55 ml C3H8 प्लस 45 ml O2। तो ये है हमारे ऑप्शंस। ये भी एक मोर देन वन करेक्ट है। देखते हैं क्या है, राइट? अच्छा, रिएक्शन क्या हो रहा है? रिएक्शन क्या हो रहा है? C3H8 गैस प्लस O2 गैस हमें देगा 3CO2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड। बैलेंसिंग ऑक्सीजन इज 10, यहां पे 5O2 आ जाएगा, ठीक है? तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? पहला, O2 इज लिमिटिंग। O2 जो है वो हमारा लिमिटिंग है। तो मैंने क्या मान लिया, XmlC3H8 है और 100 माइनस XML क्या है, O2। अच्छा, रिएक्शन हमारा O2 के अकॉर्डिंग चलेगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में 6 है और राइट हैंड साइड में 3 है। लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, राइट हैंड साइड में 3 है। तो 6 ml से 3 ml पैदा होता है। कॉन्ट्रैक्शन 3 ml का है, तो 5 ml O2 के पीछे 3 ml का कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी क्या मिलेगा मुझे, 5 ml O2, ये हमें कॉन्ट्रैक्शन देता है 3 ml का। बट कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 45 ml, कॉन्ट्रैक्शन इक्वल्स टू हुआ है 45 ml, दैट इंप्लाइज O2 जो होगा वो कितना होगा, 45 × 5/3, सो ये हो जाएगा 15। O2 हमारे पास होना चाहिए 75 ml, O2 हमारे पास होना चाहिए 75 ml, और C3H8 जो होना चाहिए दैट इज इक्वल्स टू 25 ml, राइट? सो O2 75 ml, C3H8 25 ml इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी। तो सेकेंड जो है वो हमारा आ चुका है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी बनता है, वो क्या है, C3H8 इज लिमिटिंग। तो O2 तो हमारे यहां पर एक्सेस में आ रखा है, O2 हमारा एक्सेस है, C3H8 हमारा लिमिटिंग है। तो C3H8 अगर लिमिटिंग है तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्शन अगेन हम देख सकते हैं 3 ml का है, तो 1 ml C3H8 3 ml का कॉन्ट्रैक्शन। तो 45 ml कॉन्ट्रैक्शन दैट विल इंप्लाई, तीन अगर एक के चलते होता है तो 45 का कॉन्ट्रैक्शन अगर हुआ है तो 15 ml ऑफ C3H8, 15 ml ऑफ C3H8। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो C3H8 वो हमारा 15 ml हो जाएगा और O2 जो हो जाएगा दैट इज 85 ml. इस अनदर पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है एंड इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन वन इज करेक्ट, थ्री एंड फोर आर डेफिनेटली रॉन्ग. तो कौन सा लिमिटिंग है उसके अकॉर्डिंग दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है. तो अभी तक यहां पर समझ में आ गया होगा जो लिमिटिंग रिएजेंट्स को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, केसेस बनानी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अगर हमें दिया हुआ नहीं है जो कौन लिमिटिंग है कौन नहीं है. ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. इज बेसिकली अ लिंक्ड पैसेज टाइप क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. हमारे पास 10 ml मिक्सचर है ऑफ N2 एंड एल्केन एंड O2. ठीक है, एंड इसको मैंने स्पार्क कर दिया, इसको मैंने स्पार्क कर दिया, तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो 2 ml का हुआ. ठीक है, और इसको फिर मैंने KOH के थ्रू पास कर दिया, और KOH के थ्रू पास करने पर ये रेसिडुअल जो भी है वो है. ठीक है, नाउ अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है, रेसिडुअल गैस में ओनली वन गैस है. ठीक है, इस पे मैंने H2 डाला एक्सेस में, इस पर मैंने H2 डाला एक्सेस में. ठीक है, एंड ये वाले एक्सेस में डालने के बाद, ये वाले एक्सेस में डालने पे जो हमारा गैस बना है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर. ठीक है, और इस पे जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो हमारा 8 ml का हुआ है. ये सारे इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है सबसे पहले. ठीक है, ये पहले एक बार पढ़ लो, ये हमारा इंफॉर्मेशन है. तो क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट गैस प्रोड्यूस्ड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ H2, पहले वो तो हम आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, सेकंड वॉल्यूम ऑफ N2 इन मिक्सचर. ठीक है, मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा. थर्ड आइडेंटिफाई द एल्केन. अच्छा बाय द वे, एक चीज में अभी तुम लोग क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़े नहीं हो, ऐसा आना चाहिए 9-10 से जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2. जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्केन इज CnH2n+2. तो ये सारे के सारे चीजें हमें निकालनी है. अच्छा जब सबसे पहले मैं रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या होगा, यहां पर एल्केन और O2 जो है वो हमारा आपस में रिएक्ट करेगा. ठीक है, समझ में आया.
और N2 तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर रिएक्ट नहीं करेगा। QOH के थ्रू पास करवाने के बाद जो रेसिड्यूअल गैस है उस पे केवल एक सिंगल गैस अगर प्रेजेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, वो गैस तो हमारा N2 ही होने वाला है क्योंकि N2 ही है जो यहां पर रिएक्ट नहीं किया है। एंड दैट विल लीव अस टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, जो हमारा एल्केन और O2 में कोई भी एक लिमिटिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हमारा एल्केन ज्यादा रह गया तो यहां पर तो ऑब्वियस सी बात है ना, N2 के साथ एल्केन भी आगे पास करेगा, या फिर अगर O2 ज्यादा हो गया, एल्केन लिमिटिंग है, तो इस पॉइंट के बाद रेसिडुअल गैस में दो गैस होगा, N2 और O2। तो एक बात तो निश्चित है, पहले वाले स्टेप पे नाइदर एल्केन नॉर O2 इज लिमिटिंग, ना हमारा एल्केन लिमिटिंग है ना हमारा O2 जो है वो हमारा लिमिटिंग है। यहां पर दोनों के दोनों हमारा एग्जैक्ट अमाउंट पे होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम बोलोगे सर फिर यहां पे क्या रिएक्शन हो रहा है, देखो यहां पर एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, ये रेसिडुअल गैस तो N2 ही है और हाइड्रोजन डाला हूं, तो वहां पर तो एक ही रिएक्शन हुआ है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये हमें दिया है 2 टाइम्स NH3, ये रिएक्शन तो फिक्स है, इसके अलावा और कोई रिएक्शन तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता है। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर 2 टाइम्स NH3 है, ये जो NH3 है ये डेफिनेटली हमारा एब्जॉर्ब बाय वाटर होगा, अमोनिया हम जानते हैं वाटर से रेडिली एब्जॉर्ब होता है, और अमोनिया और वाटर रिएक्ट करके हमारा बन जाता है NH4OH, ठीक है। अमोनिया वाटर से डेफिनेटली रेडिली एब्जॉर्ब होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ NH4OH। तो सेकेंड वाला पार्ट का तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट का तो हो गया है हमारे पास, कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ है H2 को इंट्रोड्यूस करने के बाद। देयर इज अ सिंगल पॉसिबिलिटी, N2 रिएक्ट नहीं कर सकता है और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो ऑब्वियसली यहां पर रिएक्ट करके डेफिनेटली अमोनिया बनाएगा ही बनाएगा। अब ध्यान देना, चार से बनता है दो, देयरफोर पर ml ऑफ N2 gives a contraction is equals to 2 ml, चार से दो बनता है, तो पर ml ऑफ N2 हमें कॉन्ट्रैक्शन देगा 2 ml का, तो पर ml ऑफ N2 अगर 2 ml का कॉन्ट्रैक्शन देगा और टोटल कॉन्ट्रैक्शन यहां पे 8 ml का हुआ है, तो एक बात तो निश्चित है, तो 8 ml का कॉन्ट्रैक्शन दैट इंप्लाइज 4 ml N2 हमारे पास होने वाला है, यानी N2 जो होगा वो हमारा 4 ml होगा इनिशियल, और वो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल में ही था। तो एक चीज तो हमारे पास आ गया है और वो ये है एल्केन प्लस O2, ये दोनों मिला के हमारा 6 ml है और इस पे कोई भी लिमिटिंग नहीं है, ठीक है। नाउ एल्केन और O2 का रिएक्शन में अगर लिखूं CnH2n प्लस 2 प्लस O2, ये दोनों गैस है, हमें क्या देता है NCO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। एंड नाउ ऑक्सीजन को अगर मैं बैलेंस करूं, अरे सॉरी 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 N प्लस 1H2O
लिक्विड। अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूं n प्लस वन बाई टू, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 3n प्लस वन बाई टू, ठीक है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, टोटल हमारे पास 6 ml है, तो एल्केन मान लो मेरे पास है VML, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहां पर ये रिएक्शन जो है वो मेरे पास है। अच्छा भाई साहब, मैंने एक चीज अभी देखा, यहां पर मैंने एक चीज गलती कर दिया था, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन 4 ml का था, ठीक है ना, उस समय लिखने में गलती कर दिया था, सॉरी। नाउ यहां पर क्या है मेरे पास, तो एल्केन मान लो यहां पर है हमारा VML, तो O2 जो आएगा वो आएगा मेरे पास 6 माइनस VML, ठीक है। नाउ अब ध्यान दो, यहां पर सबसे पहली बात, दोनों में कोई लिमिटिंग नहीं होना चाहिए, तो अगर दोनों में कोई लिमिटिंग नहीं होना चाहिए तो इसका 1 ml को ये 3n प्लस 1 बाई 2 ml चाहिए होता है। सो हमारा 1 ml को इतना चाहिए होता है, तो VML को चाहिए होगा 3n प्लस 1 बाई 2 इंटू V, और वो हमारा 6 माइनस V होना चाहिए, एंड दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दूसरे वाले पार्ट पे अगर हम ध्यान दें, उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, हम निकालेंगे पर ml ऑफ एल्केन, वो कितना होगा, इसका 1 3n प्लस 1 बाई 2 माइनस n, तो पर ml ऑफ इतना इतना कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं कैलकुलेट करूं दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू, ठीक है। सो n प्लस 3 बाई 2 इंटू वी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अब मुझे एन और वी निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, लेट्स सी। पहले एक तरफ एन कर देते हैं, 3n प्लस 1 विल बी 12 माइनस 2v अपॉन वी, ठीक है, और दूसरा जो है वो है n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन वी। ये वाले इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3n प्लस 9 इक्वल्स टू 24 बाय वी, और अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, 8 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2v माइनस 12 सॉरी प्लस 12 बाई वी, ठीक है। एंड सो यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां पर काट दो, तो v मेरे पास आ जा रहा है 2 ml, और अब मैं v का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करूं, तो v जो आ जा रहा है वो 2 ml आ जा रहा है, इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो n आ जा रहा है मेरे पास 1, ठीक है। सो सिंपली एल्केन जो है, दैट एल्केन इज CH4 और सिंपली मिथेन। आई होप दिस इज परफेक्टली अंडरस्टूड, ठीक है, आई होप दिस इज परफेक्टली अंडरस्टूड। तो किस तरीके से हमने प्रॉब्लम को अप्रोच किए हैं वो देखो, यहां पर मेन जो फंडा था वो यही था, ना एल्केन ना O2 हमारा लिमिटिंग है, ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हमारे पास 110 ml ऑफ
मिक्सचर है उसमें क्या क्या है, Cl2 गैस, ClOx गैस और NH3 गैस, ठीक है, इन 1:4:6 मोलर रेशियो। एक्स जो है वो हमारा इंटीजर है, एक्स जो है वो हमारा इंटीजर है। नाउ सबसे पहले मैं यहां पर स्पार्क करवाता हूं। स्पार्क वन जो है, स्पार्क वन क्या करता है, डिकॉम्पोजेस ClOx into Cl2 and O2। पहले वाले स्पार्क में ClOx जो है वो हमारा Cl2 और O2 पे डिकॉम्पोज किया है, जो इस पे वॉल्यूम में राइज हुआ है दैट इज +20 ml, वॉल्यूम 20 ml से बढ़ गया है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद मैंने क्या किया हूं, स्पार्क टू, और स्पार्क टू पे क्या हुआ है, पार्शियल डीकंपोजिशन ऑफ NH3। हमारा NH3 में पार्शियल जो है वो डिकॉम्पोजिशन हुआ है, ठीक है। और अब मैंने उसके बाद क्या किया हूं, गैसेस पास्ड थ्रू वाटर ठीक है, द गैस इज पास थ्रू वाटर और इस पर कॉन्ट्रैक्शन जो दिखा है दैट इज इक्वल टू 20 ml, 20 ml का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यहां पर हुआ है, ठीक है, समझ में। स्पार्क थ्री, इसके बाद मैंने तीसरा वाला स्पार्क किया और स्पार्क थ्री में क्या हुआ है, स्पार्क थ्री में क्या हुआ है, जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें हमें दिखा है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर प्लस ओनली वन अदर प्रोडक्ट, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर है और उस पर ठीक है कुछ हमारा साथ में इसके अलावा एक और प्रोडक्ट ही जो है वो हमारा हुआ है प्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा इसके बाद इस वाले चीज को मैंने पास्ट थ्रू KOH, मैंने KOH के थ्रू पास करवाया जो एब्जॉर्ब्स Cl2 only shows no change in volume, volume में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो questions क्या क्या है, number one formula of ClOx, दूसरा percentage of decomposition of NH3, ठीक है, थर्ड
reactions in third spark and fourth जो है वो क्या है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट पूरे प्रोसेस हो जाने के बाद O2 का कितना वॉल्यूम जो है वो हमारा बचा हुआ है ये है हमारा सवाल तो इसके बारे में एक बार सोचना है ओके ओके दोस्तों तो सॉल्व करना चालू करते हैं इसे काफी कुछ इंफॉर्मेशन है काफी ज्यादा बड़े क्वेश्चन है तो एक एक करके देखेंगे अगर सबसे पहली बात ये जो मोलर रेशियो है वो हम वॉल्यूम रेशियो भी मान सकते हैं तो पहले तो एक बात है 1:4:6 यानी 11 हो गया तो यहां से एक चीज तो निश्चित है इनिशियली हमारे पास क्या है 10 ml ऑफ Cl2 गैस है प्लस 40 ml ClOx गैस है प्लस साथ में 60 ml NH3 गैस है और अब हम अगर बात करें स्पार्क 1 पहला स्पार्क में क्या हुआ है पहला स्पार्क में तो और कुछ भी नहीं हुआ है यहां पर हमारा सिंपल सी बात है ClOx टूटा है कैसे टूटेगा ClOx गैस 2 times ClOx गैस दैट गिव्स यू Cl2 गैस प्लस XO2 गैस ठीक है समझ में आ गया ClOx गैस गिव्स यू Cl2 गैस प्लस XO2 गैस हमारे पास ये हमारा हुआ है और इसके कारण हमारा वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 20 ml का हुआ है ध्यान देना है ये हमारे पास 40 ml है अच्छा यहां पर दो है यहां पर है 1 प्लस एक्स तो इंक्रीमेंट हो रहा है x माइनस 1 का सो इसका 2 ml यहां पर इंक्रीमेंट देता है x माइनस 1 का तो पर ml ClOx इंक्रीज जो करवाता है वो x माइनस 1 बाई 2 ml से करवाता है ठीक है 2 ml इंक्रीज करवाता है x माइनस 1 से पर ml इंक्रीज जो होगा वो हम निकाल लेंगे So, 40 ml के चलते जो इंक्रीमेंट होगा वो दे रखा है 20 तो यहां से मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 तो x जो है वो है 2 तो सिंपल सी बात है हमारा ऑक्साइड इज ClO2 हमारा जो ऑक्साइड है वो है हमारा ClO2 पहला तो पार्ट हो चुका है फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से क्लियर है राइट अब हम लोग सेकेंड स्पार्क पे आते हैं अच्छा स्पार्क टू पर क्या होगा अच्छा अमोनिया पार्शियली डिकम्पोज किया है ठीक है अमोनिया पार्शियली डिकम्पोज किया है 2NH3 गैस हमें दिया है N2 गैस प्लस 3H2 गैस ठीक है खैर अच्छा वाटर जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो केवल और केवल NH3 को ही एब्जॉर्ब करेगा और कॉन्ट्रैक्शन अगर 20 ml का हुआ है तो NH3 absorbed
इज इक्वल्स टू 20 ml बाई वॉटर. ठीक है, बट NH3 इनिशियली जो था वो हमारे पास 60 ml था. NH3 इनिशियली जो था वो 60 ml था. तो परसेंट डीकंपोजिशन 40/60, क्योंकि 20 ml तो अनरिएक्टेड था, इनटू 100 66.67% जो हमारा परसेंटेज डिकॉम्पोजिशन होगा दैट विल बी 66.67%. सो सेकेंड वाला पार्ट भी हो गया है. तो अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास अब क्या क्या है ध्यान देना. हमारे पास सबसे पहले 10 ml CO2 तक Cl2 तो पहले से ही था, और यहां पर जो हमारा रिएक्शन हुआ है, ठीक है, यहां पर 2 ml से एक बनाए तो 40 से बनेगा 20, तो टोटल 30 ml हमारे पास Cl2 है. ठीक है, 30 ml हमारे पास Cl2 है. अच्छा, O2 कितना है, X जो है वो मैंने निकाल लिया हूं 2, तो यहां पर मेरे पास 2 आया है, तो 2 से 2 बनता है तो 40 से 40 बनेगा, तो 40 ml O2 बनेगा. अच्छा, 40 ml अमोनिया डिकॉम्पोज किया है तो यहां पर 2 से बनता है 1 N2, तो 20 ml जो है वो मेरा N2 बनेगा, और 2 से 3 बनता है, ठीक है, तो इससे कितना बनेगा, 60 ml जो है वो हमारा H2 बनेगा. ठीक है, नाउ अब स्पार्क 3 पे ध्यान दो. तो स्पार्क 3 जो है, उस स्पार्क 3 में एक चीज क्लियर है, QH जो एब्जॉर्ब किया है, QH Cl2 को एब्जॉर्ब करवा रहा है ये बोला गया है, और उसके कारण कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, यानी वहां का जो Cl2 है वो तो हमारा पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए. तो एक रिएक्शन तो पहले डेफिनेटली होगा, Cl2 गैस प्लस H2 गैस, ये हमें देगा 2HCl लिक्विड, ये हमें देगा 2HCl लिक्विड. रूम टेम्परेचर में HCl लिक्विड होता है. ठीक है, HCl KOH के साथ रिएक्ट तो करेगा, बट वो ऑलरेडी लिक्विड है तो कोई वॉल्यूम में बदलाव नहीं आएगा. और यहां का जो Cl2 का 30 ml है, और यहां का H2 का भी फिर 30 ml ही रिएक्ट करेगा. और इसके अलावा एक दूसरा रिएक्शन और हो रहा है, वो तो पहले ही बोला गया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर बना है, तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये हमें देना चाहिए H2O लिक्विड. और अब ध्यान देना, यहां पर सिंपल सी बात है, ये है दो रिएक्शन इसका, यहां पर 30 ml रिएक्ट कर चुका है तो H2 अब और बचा हुआ है 30 ml, और ये ऑक्सीजन का 15 ml के साथ रिएक्ट करेगा. बट ऑक्सीजन जो था वो है हमारा 40 ml, सो O2 लेफ्ट इज इक्वल्स टू 40 - 15, दैट इज इक्वल्स टू 25 ml. O2 जो हमारा बचा हुआ होगा वो होगा हमारा 25 ml. तो अगर फाइनल मिक्सचर कोई पूछे, N2 बचा हुआ रहेगा, Cl2 H2 पूरा रिएक्ट कर चुका है, तो फाइनल मिक्सचर अगर कोई पूछे क्या होगा मेरे पास, 25 ml O2 प्लस 20 ml N2. तो ये है हमारा फाइनल मिक्सचर After the 3 sparks. Okay? Okay, दोस्तों, तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है.
ठीक है, क्या बोला हुआ है उस पे? इस पर ये बोला है जो हमारे पास तीन गैस है, तीन गैस है, क्या क्या? एन एल्केन, जनरल फॉर्मूला CnH 2n प्लस 2, ठीक है, एन एल्कीन, जनरल फॉर्मूला CxH2x, ठीक है, एंड O2, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो इन तीनों गैस का जो है वो हमारे पास एक मिक्सचर है। सबसे पहली बात तो ये दिया हुआ है। मैं अब क्या करवा रहा हूं, इसका कंबर्शन करवा दे रहा हूं, और यहां का जो टेम्परेचर है दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन तीन गैसेस प्रेजेंट है, बट नो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या क्या होता है? एल्केन और एल्कीन। हाइड्रोकार्बन में एक भी जो है वो हमारा बचा हुआ नहीं है। अब इसको मैंने KOH के थ्रू पास करवाया, इसको मैंने KOH के थ्रू पास करवाया, तो इंक्रीमेंट इन मास ऑफ KOH इक्वल्स टू 132 ग्राम, ठीक है, जो इसके बाद रिमेनिंग गैस है इसको मैंने पास करवाया एनहाइड्रस CuSO4 के थ्रू, एनहाइड्रस CuSO4 के थ्रू, तो यहां पर हमारा प्रोड्यूस हो गया है ब्लू CuSO4.5H2O, और इस पर जो मास का इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है प्लस 72 ग्राम, ठीक है, इंक्रीमेंट इन मास हुआ है प्लस 72 ग्राम, राइट। इनिशियली एक चीज बोला हुआ है, इनिशियल टोटल मोल्स ऑफ गैस, इनिशियल टोटल मोल्स ऑफ गैसेस इक्वल्स टू 10, ठीक है, समझ में आया? एंड मोल्स ऑफ एल्केन एंड एल्कीन वेर इक्वल, ठीक है, समझ में आया? ओके, एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कीन माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्केन दैट इज इक्वल्स टू 12, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब जो जो पूछा है वो देखो, सबसे पहले मोल्स ऑफ थ्री प्रोडक्ट गैस मिक्सचर
ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एंड थर्ड इनिशियल कॉम्पोजिशन। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, तो अब एक एक करके देखते हैं सारे। अच्छा, बिफोर यू प्रोसीड एनी फर्दर, पहले एक बात देख लो, यहां पर एन और एक्स में एक रिलेशन बन सकता है, वो क्या है? ध्यान दो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कीन क्या होगा? 12x प्लस 2x दैट इज इक्वल्स टू 14x, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्केन क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे पास 12n प्लस 2n प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 14n प्लस 2, ठीक है। नाउ अब ध्यान देना, जो हमें दिया हुआ है 14x माइनस 14n प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 12, इसको यहां पर ले जाओ तो 14x माइनस 14n इक्वल्स टू 14, तो x माइनस n दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास x जो आ जाएगा वो आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, n जो है वो x माइनस 1 है। तो हमारे पास जो एल्केन है वो है CnH2n प्लस 2 और C n प्लस 1 H2n प्लस 2, या फिर बेटर ये है उल्टा लिख दो CxH2x, ठीक है, और n को मैं लिख सकता हूं x माइनस 1, तो Cx माइनस 1 H2x, ये हमारे पास इनिशियल सिनेरियो है। अच्छा, QOH का मास अब क्यों बड़ा है? बाय द वे वहां पे क्या हुआ है? QOH प्लस 2 टाइम्स CO2 हमें देता है K2CO3। तो जो भी मास बड़ा है वो CO2 के कारण बड़ा है, वो जानने की जरूरत नहीं थी रिएक्शन क्या है, बट इतना समझ लो जो CO2 के कारण बड़ी है। सो ध्यान देना, इसका CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है 44, तो एक मोल CO2 के कारण 44 ग्राम बढ़ता है, बट मेरा जो वजन बड़ा है वो बड़ा है 132 ग्राम, तो CO2 प्रोड्यूस्ड 3 मोल, हमारे पास टोटल जो है 3 मोल CO2 प्रोड्यूस हुआ है। और यहां पर जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, वो क्यों हुआ है? CuSO4 प्लस 5H2O gives us CuSO4.5H2O। तो ये मेरे पास कितना है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होने पर, वाटर का मोल ऐड होने पे 18 ग्राम से बढ़ता है, बड़ा है 72 ग्राम से। सो एक चीज तो मैं और लिख सकता हूं, H2O प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 4 मोल,
ये ऑरिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा दिया हुआ है। राइट राइट राइट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कंबर्शन जो हुआ है वो 127 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो वाटर जो है वो हमारा गैस है यहां पर, ठीक है। इनिशियली रिएक्शंस क्या क्या हुआ है, CX H2X गैस हमें क्या दिया है, O2 के साथ रिएक्ट करके दिया है XCO2 गैस प्लस X प्लस 1 XH2O गैस। यहां पे लिक्विड लिखने की गलती मत कर देना, और यहां पर X है यहां पर X by 2 है, तो O2 जो है वो है हमारा 3X/2, ठीक है, समझ में। और दूसरा CX-1 H2X गैस, O2 कितना आएगा यहां पर, X-1 + X आएगा तो 2X X-1 + X/2 आएगा, क्या बोल रहा हूं, X/2 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 2X-2 + X/2 O2 गैस गिव्स अस X-1 CO2 गैस प्लस X H2O गैस। ये हमारा सिनेरियो है। सो जो फाइनल रिएक्शन मिक्सचर होगा उस पे क्या क्या है, ऑब्वियसली CO2 गैस है, H2O गैस है एंड O2 गैस है, बचा हुआ O2 गैस हो सकता है। अच्छा इनिशियली बोला है इन दोनों का मोल सेम है, तो इनिशियली मान लो दोनों का NN मोल्स है, सुनो इसका एक मोल से एक्स मोल CO2 पैदा होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एन मोल से NX मोल्स पैदा होगा, और इसका एक से X-1 पैदा होता है, तो यहां पर हो जाएगा N × X-1, तो टोटल मोल्स जो हो जाएगा दैट विल बी 3 CO2 3 मोल्स। और वाटर का देखो एक से पैदा होता है X NX, और यहां पर भी एक से पैदा होता है X NX दैट इज इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास पैदा हो जाएगा। सो अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं तो हमारे पास N जो है वो सीधा आ जा रहा है 1, और ये है 2NX, N 1 है, तो X जो है वो है मेरा 2, N 1 है X 2 है। सो हाइड्रोकार्बन्स आर क्या क्या, जो हमारा एल्कीन है दैट इज CXH2X यानी C2H4 इथेन, और जो हमारा एल्केन है वो हो जाएगा मेरे पास CH4। और ये दोनों एक एक मोल है, तो बाकी बचा हुआ 8 मोल ऑक्सीजन होगा। देयरफोर इनिशियल कॉम्पोजिशन क्या आएगा मेरे पास, ध्यान देना, CH4 1 मोल, C2H4
वन मोल ओ टू एट मोल्स, ओ टू जो है वो हमारा एट मोल्स होगा। अच्छा ये भी कोई पूछ सकता है फाइनल कॉम्पोजिशन, फाइनली क्या बचेगा बताओ सब कुछ पास करवाने के बाद, फाइनली केवल ओ टू बचेगा, पूछा नहीं है मैं ऐसे ही कर रहा हूं। ध्यान देना इसका एक्स जो है वो हमारा क्या है टू, तो यहां पर थ्री ओ टू चाहिए हो रहा है, यहां पर थ्री ओ टू चाहिए हो रहा है यानी तीन मोल, तो ओ टू कंज्यूम जो हुआ है उस पर अगर हम ध्यान दें पहला तीन और यहां पर एक्स वन पुट कर दो, सॉरी एक्स टू पुट कर दो, सिक्स माइनस टू फोर बाई टू प्लस टू फाइव मोल्स, तो ओ टू जो हमारा बचा हुआ होगा लास्ट में दैट विल बी थ्री मोल्स एंड दैट विल बी द फाइनल कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस मिक्सचर। सो दोस्तों यूडियोमेट्री हमारा यहीं पे समाप्त होती है। मेरे ख्याल से हमें काफी अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स और इसके जो क्वेश्चंस है वो समझ में आया है। इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है, इनमें जो भी टफ प्रोफाइल्स बन सकता है वो मैंने सारे के सारे डिस्कस कर दिया हूं। ओके?